भाई मुश्तफा का तो काम हो गया भाई, ये देखे हाथ में आलू और एक हाथ में पोंगे की थैली। मुश्तफा और लास्ट बार और बोले सेवन वंडर क्या। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद आफ्ताब, एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। तो इस वक्त मैं हूँ उन पाड़िया में और देखे ज़ियारत करे भाई बहुत टाइम बाद ज़ियारत। ज़ियारत करना, ज़ियारत में आना मत काफ़ी शानदार लगा साकिब भाई से मुलाकात करके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम मिले। आज आफ्ताब भाई की मेरे तरफ से दावत है भाई की। ओहो मतलब तो भाई की। तो भाई मैंने तो थोड़ा खा के आ गया, पहले बोलते तो मैं खा के नहीं आता बिल्कुल। भाई थोड़ी तो जगह है ना, इतनी तो है। हाँ है, इतनी तो है वो तो रहती है, स्टॉक में रखना पड़ता है जगह। अभी फिलहाल मेहनत बहुत हो रही है शादी के लिए भाई, करना तो पड़ेगी यार। तो आप लोगों ने वो वाला व्लॉग देखा होगा फैजान भाई वाला, जो कि नहीं देखा तो आप लोग देख सकते हैं जाके। उसमें साकिब भाई की फुल मौज ली थी हम लोगों ने। और कहाँ ले जाएंगे साकिब भाई? भाई ऐसी जगह ले जाओगा जो ना मैंने खाया वो चीज़ ना जो तूने खाई है। ऐसी क्या चीज़ है भाई? खाना तो खैर बाद में, बाकी पहले जानना है यार, बता दे भाई। भाई हमेशा मुझे सरप्राइज देते हैं फैजान भाई, हमेशा मुझे सरप्राइज देते, तो मैं क्यों नहीं दूं भाई? ओह नहीं, तेरा भी फर्ज है, तेरा नहीं बंदे से मैं फीलिंग समझता हूँ बंदे की। नहीं तुम बिरयानी खा सकते, छाछ पी सकते। ओ भाई मिर्ची लगी मैं नहीं खा सकता क्या भाई? तो गाइस खाने जाने से पहले मैं साकिब भाई के घर पे आया था और आपको एक क्यूट बच्चे से मिलाना चाहूँगा जो कि काफ़ी शानदार और क्यूट है, जो कि आप। ये साकिब भाई का मामा का लड़का है। क्या नाम है तेरा? मुश्तफा। क्या है, कैमरे की तरफ देख के बोल। मुश्तफा। मुश्तफा तू कहाँ गया था पहले? सेवन वंडर गया था। किसके साथ गया था? इधर देख के बोल। मेरे अब्बू के साथ। ये देखे भाई, ये सेवन वंडर गया था इसके अब्बू के साथ। भाई मैं भी तो था तेरे साथ। ये नहीं आया था? मैं भी तो था तेरे साथ। ये कौन है? ये साकिब भाई। कौन है? साकिब भाई। साकिब भाई है तेरे? क्या बात कर रहा है। तूने खाना खाया? हाँ। तुझे खाने में क्या पसंद है ज्यादा? पोंगे। पोंगे? ओ भाई इसको तो पोंगे पसंद है भाई खाने में। ये देखे सामने से पोंगे की लाड़ी आ रही है भाई। ये है मुश्तफा जो कि सेवन वंडर ब्लॉग जिसने देखा होगा तो आप लोग देख सकते हैं, उसमें ये बहुत ही प्यारा बोल रहा था सेवन वंडर। एक बार बोल के बता जोर से, सेवन वंडर। ओह वाह, और एक बार सेवन वंडर। क्या बात है भाई, मुश्तफा का तो काम हो गया भाई। ये देखे हाथ में आलू और एक हाथ में पोंगे की थैली, मुश्तफा का काम हो गया भाई। अब हम जा रहे हैं खाने भाई। ये मैं वापस ले लेता हूँ। मत दे इसको, मेरे से बात ही नहीं कर रहा, तेरे से बात कर रहा है। ये गलत कर रहे भाई, ले ये दे। चल मुश्तफा हम जाए अभी खाने के लिए। जाए क्या हम लोग? एक बार और लास्ट बार और बोल दे सेवन वंडर क्या। तो चले भाई, ये देख सकते हैं ये साकिब भाई का घर, यहीं पर रहते हैं। अब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और चलते हैं अब खाने के लिए। ये देखे भाई हम इस वक्त पहुंच गए हैं ऊन पाटिया, जो कि मेन ऊन पाटिया है और ये बाजार वाला इलाका है। काफी शानदार रश है यहाँ पर देख सकते। तो अभी हमें साकिब भाई लेके जा रहे हैं जो कि काठियावाड़ी के पहले हैं बोले, वो कुछ सस्पेंड चीज़ है, पता नहीं देखते हैं चल के सस्पेंड क्या है। तो ये देखे भाई ये स्टॉल सामने लगी है, देखते हैं चल के क्या है। साकिब भाई मैंने कहा था ना मैजिक है, असल में मैजिक मोमोज। हो हो तो मोमोज मतलब तो वही मोमोज। तो मैंने मोमोज मैंने भी नहीं खाया है और अपने आफ्ताब भाई ने भी नहीं खाया, तो हम लोग आज ट्राई करेंगे। चले चलते हैं ट्राई करते हैं मोमोज। ये एक स्टॉल है। सो फाइनली हम लोग आ गए हैं स्टॉल में और ये देखे काफ़ी शानदार स्टॉल है। क्यों साकिब भाई तूने खाया कभी? सच बोलिए। नहीं भाई मैंने नहीं खाया, अभी फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मेरा भी रहेगा मोमोज। ये भाई ने बहुत सस्पेंड में लेके आया। सोचा था कि भाई दिल्ली में जाके ट्राई करेंगे, बट अभी सूरत में मिल गया तो क्या करेंगे। हाँ दिल्ली में भी हम लोग अभी टूर शुरू होने वाला है, दिल्ली आगरा जयपुर अजमेर। तो आप लोग देखिएगा, जिसने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। तो चले मेनू देखते हैं भाई क्या लेगा भाई तू। भाई मैंने तो
भाई को पूछा तो उन्होंने रिकमेंड किया कि भाई चीज़ कुरकुरा बेस्ट है यहाँ का, तो वही हम लोग मंगाए गए अब चीज़ कुरकुरा। तो चले ये वाला कुरकुरा भी खाते हैं। ये देखे भाई इसका जो बनाते हैं, जो मेकिंग करते हैं, ये देखे भाई यार ये तो पैक कर दे रहे, यहीं पर खाना है हमें। कस्टमर गए क्या? ये तो मसला हो गया भाई, पोपट हो गया तेरा। पोपट हो गया ये तो। तो गाइस चले मोमोज की जो मेकिंग होती है वो बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद चखेंगे। क्यों साकिब भाई सबर हो रहा है? सबर नहीं हो रहा है, भूख बहुत जोर से लगी। मगर आप लोगों को मेकिंग बताना भी बहुत जरूरी है। तो है भाई, तो ये देखे कैसे उबालते हैं इसको। ये इसके ऊपर से चाट मसाले की बारिश हो गई, बीच में कटोरी मायोनीस है। ये किसकी चटनी है? ये टमाटर की चटनी और ऊपर से मायोनीस और इर्द गिर्द मोमोस। ये जो अभी प्लेट जो आप लोगों ने देखा, ये सादी प्लेट है जो कि सिंपल और सोबर। इसके बाद हम एक और प्लेट लेंगे जो कि कुरकुरे वाली है और काफ़ी शानदार है। उसको क्या बोलते भाई? चीज़ कुरकुरे, जो कि इसके बाद चीज़ कुरकुरे खाएंगे, वो भी आपको रिव्यू देंगे इंशाल्लाह कैसे बनाते हैं। ये देखे इसका सब रखा हुआ है। ये देखे भाई ये मोमोस को इसमें मिक्सिंग कर दिया। मोमोस को मैदे में डाल के नहला दिया भाई, ये देखो। और अभी ये मकई का जो है, क्या है, मकई का चिवड़ा बनाया हुआ है। इसमें भिगो के फिर इसमें डाल के ये हो गया। देखे अभी इसको फ्राई कर दिया जाएगा तेल में। ये देखे भाई मोमोस, जो कि सादी प्लेट है, जो कि रेगुलर है जो यहाँ की। और फिर उसके बाद एक और डिश आएगी जो कि आपको पूरा रिव्यू दूंगा। ये देखे भाई वो जब तक बन रही है तब तक ये खा लेते, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं भाई। इसके पेट में एनी टाइम चूहे कूदते भाई, चूहे रेडी रहते हैं। रेडी रहते हो तो साकिब भाई स्टार्ट कर रहे हैं। ये मायोनीस की चटनी और टमाटर की चटनी है साकिब भाई। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला। बहुत जोरदार है, कुछ अलग टेस्ट है। आप तब भाई टेस्ट करेंगे जब उनको पता चलेगा क्या है। ये उबाला हुआ है और हाथ में लेके ना काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है, काफ़ी शानदार लग रहा है हाथ में लेने से। और इसको भिगोते हैं इसमें आए हाथ। ये देखें ये जो शानदार, काफ़ी शानदार, बहुत मज़ेदार है। मेरा जो ये चटनी है ना, ये पीने का मन कर रहा है भाई। भाई ये चीटी है। मज़ा आ गया क्योंकि चीज़ कुरकुरा मंगवाया है हमने, वो देखते हैं। तो दूसरी डिश है वो बताते हैं आपको जल्दी से। ये देखिए ये निकल गए हमारे कुरकुरे मोमोज। ये देखिए हाय हाय हाय, ये देखिए बड़ी मोहब्बत से भाई ने बनाए। ये देखिए विवेक भाई, ये चाट मसाला ऊपर से, फिर से बीच में कटोरी आ गई, और अब ये चटनी जो है फेवरेट मोमोज की, टमाटर की, और इसके बाद फिर हमारी फेवरेट चीज़ जो है मायोनीज। ये देखिए हाय 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 हाय, बताओ भाई। लाओ भाई ये तो मैं ही खाऊंगा भाई। भाई इसकी सूरत काफ़ी शानदार है भाई, मुझे तो ये बहुत मज़ेदार लग रहा है दिखने में तो काफ़ी। तो ये है चीज़ कुरकुरे मोमोज। तो चले शुरू करते हैं, आ जाइए। ये देखिए भाई, ओ हो कुछ निकला, कुछ निकला, कुछ निकला, आए हाय भाई। ये तो भाई ये क्या निकला इसमें से, आए ये अपन ने खाए उससे कुछ अलग ही है ना। ये देखे भाई आए हाय। ये देखे भाई। तो चले ये टेस्ट करते हैं। इसको डालते हैं पहले ये चटनी में, फिर डालते हैं मायोनीस, और फिर कहा ये जाएगा कुएं में।
मतलब भाई मोमोज ले और दरिया में डाल। हाँ। इसका टेस्ट ये जो मोमोज है ना काफ़ी मज़ेदार ऑथेंटिक टेस्ट है और बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है, जो कि इसके पहले हम लोगों ने खाए सादा सिंपल था और इतना खास मज़ा नहीं आया था, मगर ये भाई आए हाय ले जगह काफ़ी शानदार है, बहुत मज़ेदार है। ये भाई तो पूरी कटोरी हिला देते भाई मशहूर हो गया मैं। और जा जवाब हमारे आफ्ताब भाई के निवाले भी इतने नहीं रहते, इतने रहते इतने कितने रहते भाई इतने भाई नाम बदनाम मत कर, कुआ ज्यादा बड़ा है इसलिए। अरे भाई आपने मंडी का व्लॉग देखा, ऐसा बना के खा रहे थे, वो अरबिक लोग जैसा खाते ना वैसे हमारे आफ्ताब भाई खा रहे थे। भाई वो अरबिक स्टाइल था और आप लोगों के साथ शेयर भी करना था, इस वजह से मैंने ऐसा बना के ऐसा खा के सीधा अंडा। भाई मुझे भी सिखा दो। जिसने अगर वो वाला अरबिक फूड जो कि अरबिक स्टाइल में हम लोगों ने खाया था और वहाँ पर बैठ के खाए थे, काफ़ी शानदार था, जिसने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप लोग फटाफट चैनल पे जाइए और आपको सारे व्लॉग वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अब आएगी हमारे साकिब भाई की बारी, क्योंकि और पानी नहीं ला सकता मैं। ये देखिए भाई, भाई ये गर्म है ना इसके लिए। हाँ, ये कुछ अलग ही मज़ा है यार, इसका तोड़ने में भी अलग ही मज़ा है। काफ़ी शानदार, पहले मैं तो माइनस लगाऊंगा भाई, उसके बाद ये गया कुएं के अंदर। मेरा कुआ नहीं है, क्या है भाई? ये तो वो पहले वाले से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। ओ भाई ये टेस्ट देख के तो पागल हो गया। ये देखे कितनी फटाफट हाथ चला रहे भाई। अब भाई ये सब मैं खा लूँगा। भाई तू ही खा लियो। मैं सब बेस्ट मोमोज ये लगे मेरे को उससे पहले वाले दे दे, वो तो अलग ही थे कुछ, और ये कुछ अलग है, क्या बोलते आप तब भाई? बहुत काफ़ी शानदार। ये देखे भाई ये बंदा तो चलने ही दे रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं शकीब भाई। आफ्ताब भाई ने चीटिंग करे मेरे ऊपर, सब सौंप दिए अब तू ही खा। अब यार मैं खा रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि ये बंदा ही सब खा रहा है भाई, जाना पूरी प्लेट साफ कर दिया पूरा। मतलब भाई मेरा नाम बदनाम कर रहे हो आप? दो 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 प्लेट साफ कर दिया बैठे बैठे भाई, भूखी ऐसी लगी है। फाइनली हम लोगों ने अब मोमोज खा लिए। अब भाई कितना हमारा बिल हुआ? एक भाई जाने कितना? 140 ओनली, और 140 में हम लोगों ने अच्छा खासा खा लिए। तो भाई डिस्काउंट कितना? तो भाई से हम लोग डिस्काउंट मार रहे मांग रहे, पर देखो भाई डिस्काउंट मांगा ना भाई की, इतनी प्यारी स्मेल आई थी ना, ये देखे ये देखे अभी। बट हम लोग डिस्काउंट नहीं देंगे, पूरा देंगे, पूरा देंगे। वो तो मजाक था, मजाक कर रहे। देखिए भाई इस वक्त मैं हूँ मदीना सोड़ा पे और काफ़ी ज़्यादा पब्लिक के क्राउड है यहाँ पर, मैं तो फर्स्ट टाइम आया, साकिब भाई तो आते ही रहते हैं यहाँ पर। क्यों भाई कौन सा सोडा ऑर्डर किया? मैंने तो मेरे लिए नींबू शरबत और आफ्ताब भाई के लिए जंगली सोडा। इसका नाम है, इसका नाम कुछ अलग है भाई, तो बहुत जंगली सोडा बोल रहे हैं, बहुत शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे मुझे सोडा पीने की काफ़ी आदत है, इस वजह से साकिब भाई ने यहाँ पर लेके आए मुझे भाई। इसका नाम ओरिजिनल है फुलजर, और वो फुलजर फुलजर होता है, देखते हैं भाई कैसा होता है वो फुलजर। ये देखिए बन रहा है उधर, एक नींबू सोडा ना शरबत, शरबत एक नींबू शरबत एक फुलजर भाई, वो बन रहा है तेरा, वो बन रहा है। ये देखे भाई मेरा वाला सोडा बन रहा है कुछ खास है। भाई अदरक लहसुन की भी बौछार हो गई उस पर। क्या लिया दोस्त? ये देखे भाई ये आ गया, मारने वाला नहीं है नहीं, ऐसा ही पी ले। क्या बात कर रहे भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो गया भाई। अभी आएगा ये मेरा तो आ गया मेरे आपका। ये देखे ये पूरा मसाला आ गया, और हाथ में सादा सोडा है, और इसको इसमें ऐसा
ये क्या था? बहुत अजीब था जो भी था। उसमें सोडा डाल ले, सोडा डलवा ले। ओए है मुझे तो चार बनाओ। सर में चढ़ रहा है भाई, भाई जंगली है क्या? नहीं आए है ये ठीक था भाई। आफ्ताब भाई कैसा लगा सोडा? काफी शानदार लगा भाई। आए है कैसा सोडा, कभी पिया था? बिल्कुल नहीं पिया मैंने। नाम असल में फुंजर है, बाकी मैं उसको बोलता जंगली। ओहो, और ये मेरा सादा सोडा, मतलब ये देखे भाई सोड़ा। इसका भाई का सादा सोडा है। और असल में मैंने चीटिंग कर लिया आज। मैं अक्सर वैसा ही सोडा पीता हूँ, ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग ही मैं पीता हूँ। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी शानदार लगा होगा आज का ब्लॉग। और जिसने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का दबा दे। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। सोडा पी के मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि जो कि हमारा एक टूर होने वाला है, जो कि दिल्ली, आगरा, जयपुर, अजमेर शरीफ, ऐसा बहुत लंबा टूर होने वाला है। तकरीबन 5 से 6 दिन का टूर है। उसमें आगरा भी जाएंगे, ताजमहल भी दिखाएंगे, मोहब्बत की निशानी है, तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो जो नए चैनल पर वो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मज़ेदार आती है भाई यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।